नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 की जांच व दस्तावेज सत्यापन 7 दिसंबर से होने वाली है। जी हां दोस्तों, तो ये खबर आ चुकी है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, ये जो खबर आई हुई है, देखिए 4 सितंबर 2020 को 11:05 पर आई है शाम को। सिविल पुलिस एवं पीएसी में सिपाही पद पर अक्टूबर 2018 में हुई सीधी भर्ती परीक्षा में चुने गए 14,000 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की कार्रवाई जो है 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल जो लोग भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हैं, वो लोग सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख लें, और चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की भी कार्रवाई 7 सितंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह जनपदों में ही कराया जाएगा। क्यों गृह जनपदों में? क्योंकि कोरोना को देखते हुए वो लोग सोच रहे हैं कहीं और ना भटकना पड़े। ऐसे अभ्यर्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश में न होकर अन्य राज्य में, उनके लिए अलग अलग जिले तय किए गए हैं। बिहार व झारखंड के अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण वाराणसी में, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का झांसी में, और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का प्रयागराज में, और राजस्थान के अभ्यर्थियों का आगरा, और दिल्ली व हरियाणा के अभ्यर्थियों को मेरठ, ओके, दिल्ली व हरियाणा का मेरठ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लोगों का सहारनपुर। इसके अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण लखनऊ में होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी SSP, SP, जनपद प्रभारी, चिकित्सा परीक्षण तिथि, समय, स्थान पर विवरण संबंधी जिले के पुलिस लाइन गेट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं। चयनित अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वो अपने साथ बुलावा पत्र और सभी अभिलेख लेकर तय तारीख पर समय पर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।